तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा होल्ट एम्पियर मीटर के ऊपर। तो आज हम दिखाने वाले हैं कि जो अमेज़ॉन पे जो होल्ट एम्पियर मीटर अवेलेबल है उसे किस प्रकार से वर्क करता है वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो ये एक होल्ट और एम्पियर शो करने वाला मीटर है जिसमें होल्टेज और एम्पियर ये दोनों भी डिस्प्ले होता है। ये एक डीसी मीटर है जिसकी रेंज है 100 वोल्ट डीसी और 10 एम्पियर। तो देखिए, अभी हमने इस पे इसको पावर सप्लाई दिया है। तो पावर सप्लाई देने के बाद आपको यहाँ 12.9 वोल्ट शो कर रहा है। हमने इसे एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। और चलिए अभी हम इसके ऊपर लोड देते हैं। तो फिर जैसे ही आप इसे लोड देंगे तो इसके इसमें एम्पियर शो करना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए अभी वोल्टेज के साथ साथ तो करंट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने किए हुए कनेक्शन कुछ इस प्रकार से, अभी आपको एक ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रहे हैं जिसमें हमने किए हुए कनेक्शन आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको सेम बैटरी से पावर भी देना है और सेम बैटरी से आपको मॉनिटर जो वोल्ट एम्पेयर मीटर को भी अगर पावर देना है तो ये ब्लॉक डायग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड और ब्लैक ये दो लोड के वायर हैं और ब्लैक, रेड और येलो ये मीटर के सप्लाई के वायर हैं। इसमें से ब्लैक और रेड जो जो पतले वायर हैं ये मीटर के सप्लाई के हैं, और जो येलो वायर है ये जब आप बैटरी से जोड़ते हैं तब मीटर वोल्टेज शो करने लगता है। और ऊपर के जो बड़े हुए वायर हैं जो रेड और ब्लैक हैं वो जब आप लोड के सीरीज में जब जोड़ते हैं तब वहाँ पे एम्पियर शो करने लगता है मीटर। तो हमने कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किए हुए। अगर आपको मीटर को अगर एक्सटर्नल सोर्स देना है तो ये जो आपको ब्लैक वायर नॉट कनेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको ये ब्लैक वायर और रेड वायर जो है ये आपको 4 वोल्ट टू 30 वोल्ट का डीसी एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ देने हैं, और बाकी के जो वायर हैं वो जो येलो और येलो जो वायर है ये बैटरी के पॉजिटिव को और ये जो रेड और ब्लैक है ये लोड के सीरीज में जोड़ देने हैं ताकि आपका मीटर वोल्टेज और एम्पियर ये शो करने लगेगा। तो ये मीटर वोल्टेज और एम्पियर ये दोनों भी शो करता है। और इसमें दिए इसमें एलईडी डिस्प्ले है। जो ऊपर का जो वोल्टेज का डिस्प्ले है वो रेड है और नीचे का जो एम्पियर का डिस्प्ले है वो ब्लू में दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से कनेक्शन डायग्राम करके अपने मीटर को चालू कर सकते हैं। और हमने लोड में एक डीसी मोटर यूज की हुई है जो कि 12 वोल्ट की मोटर है, और उस मोटर का जो पॉजिटिव है वो हमने मीटर के जो जो रेड वायर है उसे जोड़ी है, और जो ब्लैक वायर है उसे हमने बैटरी के निगेटिव में जोड़ दिया है, जिसके कारण हमारा लोड ये मीटर के सीरीज में जुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, जिससे हमारे मीटर में एम्पियर शो होता है। तो ये कनेक्शन डायग्राम्स उन तभी करनी है जब आपको वही बैटरी से मीटर को भी पावर देनी है और लोड को भी पावर देनी है। अगर आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स लगाना है तो फिर इसमें से रेड और ब्लैक जो
जो पतली दो वायर है वो आपको 4 वोल्ट टू 30 वोल्ट डीसी को जोड़नी है, और जो येलो वायर है ये आपको जो लोड की बैटरी है उसे जोड़नी है, और बाकी जो जो रेड और ब्लैक जो वायर बचती है ये आप जो लोड जोड़ेंगे उसके सीरीज में जोड़ देनी है ताकि आपका मीटर एम्पियर शो करने लगेगा। तो अभी हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है, तो ये पीछे से कुछ इस टाइप का ये मीटर दिखता है, जो आगे से ये ऐसा दिखता है और पीछे से। तो देखिए इसे जो बड़े दो बड़े वायर है और दो तीन पतले वायर, तो ये जो बड़े वायर आपको रेड और ब्लैक जो दिख रहे हैं ये एम्पियर के लिए हैं, जिसे हमने इसे लोड के सीरीज में जोड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे आपको रेड ब्लैक और एक येलो वायर नज़र आ रही है, तो ये जो ब्लैक वायर है अगर आपको इसे एक्सटर्नल पावर से ऑन करना है तो इस ब्लैक वायर का यूज़ होता है, अदरवाइज जो इसमें जो लोड के लिए जो ब्लैक वायर दी हुई है वो ही कॉमन निगेटिव करके यूज होती है, और जो रेड और येलो वायर है ये पावर के लिए यूज होती है। अगर आप ब्लैक के साथ रेड लगाएंगे तो सिर्फ डिस्प्ले ऑन होगा, और अगर आप येलो वायर जोड़ेंगे तब जाके वोल्टेज शो करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको वोल्टेज और करंट अगर शो करवाना है तो फिर लोड के वायर जो रेड और ब्लैक है इसे सीरीज में जोड़िए, और जो येलो वायर है इसे आप रेड वायर के साथ जोड़ेंगे तब आपको वोल्टेज शो होने लगेगा। तो फ्रेंड इसका हम एक सेकंड और पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम ये पूरा निकाल के आपको किस प्रकार से वायरिंग की जाती है ये आपको हम समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में कमेंट जरूर करिए।